नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन के अंतर्गत सीखेंगे द्विविभाजन के बारे में, बाइनरी फिशन। आज का मित्रों यह वीडियो द्विविभाजन यानी बाइनरी फिशन के बारे में होने वाला है। और मित्रों, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। देखिए, लैंगिक में क्या होता है, जब नर और मादा संयोग करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है मित्रों, एक ही जीव विखंडित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। देखिए, द्विविभाजन जरा हम लोग समझते हैं। जनन की यह विधि प्रोटोजोवा संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। हमने क्या कहा, जनन की यह विधि प्रोटोजोवा संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रोटोजोवा, देखिए जनन की यह जो विधि है, प्रोटोजोवा संघ मतलब क्या होता है मित्रों, जो प्रोटोजोवा टाइप के जीव होते हैं, जैसे युगलीना है, अमीबा है, ये सब प्रोटोजोवा की क्या है, प्रजाति है, समझिएगा जरा। तो प्रोटोजोवा संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस संघ के जीव एक कोश के होते हैं, एक कोश के होते हैं। द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन के द्वारा 2 समान गुणों वाली संततियों में बढ़ जाता है। इस प्रकार संघ प्रोटोजोवा के सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, परंतु पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब देखिए मित्रों, युगलीना अमीबा ये प्रोटोजोवा संघ के हैं। अगर एक युगलीना चाहे तो हजारों युगलीना कैसे बना सकता है, अगर एक अमीबा चाहे तो मित्रों हजारों अमीबा कैसे बना सकता है। अमीबा मित्रों जैसे पोखरों, नदियों, तालाबों में जहां पानी वगैरह ज्यादा, जल ज्यादा एकत्रित होता है, वहां पर अमीबा पाया जाता है, राइट। जैसे मित्रों कभी कभी मनुष्य के अंदर अगर अमीबा घुस जाता है, हानिकारक अमीबा बैक्टीरिया, तो आप देखते होंगे जो पेचिस सोचिस पड़ने लगती है, ये सब होता है अमीबा के कारण ही। अब देखिए मित्रों, जरा इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये द्विविभाजन है, इसमें ये मित्रों क्या है, एक सेल है, अमीबा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सेल वॉल है, बाहरी परत है, और ये जो आप देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर का, ये जो आप देख पा रहे हैं डीएनए को ये न्यूक्लियस भी कहा जाता है। अब मित्रों ये होता क्या है, बीट से ये देखिए धीरे धीरे दबेगा, ये देखिए दबा, अब ये क्या होगा, विभाजित होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ये देखिए विभाजित हो गया और 2 अलग अलग संततियों में क्या हो गया, बट गया। तो मित्रों इस प्रकार से जो प्रोटोजोवा संघ के जीव होते हैं, जब द्विविभाजित होते हैं यानी ये टूटते हैं, बिखरते हैं, तो इनकी प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन ये विखंडित होकर एक नए जीव का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। ये देखिए 1 से 2 बन गया, राइट। तो मित्रों इस प्रकार से आप देख पाए अमीबा का निर्माण कैसे होता है, आप समझ पाए, राइट। तो इस क्रिया को मित्रों द्विविभाजन कहा जाता है। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, द्विविभाजन क्या है, तो आपको हमने बताया, ये आप लिख सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना होगा तो ये भी आप देख पाए, युगलीना और अमीबा। तो मित्रों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।